गुड इवनिंग, वेलकम टू माय नेक्स्ट न्यू वीडियो। ये वीडियो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 13 ए और सेक्शन 13 बी के बारे में होगा। सेक्शन 13 तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया डाइवोर्स के बारे में, ठीक है। डाइवोर्स के बारे में आपको बताया था लास्ट वीडियो में, आप चाहे तो देख सकते हो मैं प्लेलिस्ट खोल के आप। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 13 ए और सेक्शन 13 बी, ठीक है। सेक्शन 13 में बताया गया था डाइवोर्स, डाइवोर्स का ग्राउंड्स क्या है, ग्राउंड्स वन, वन का ए, वन का बी, वन का, मैंने ये दोनों बताया था आपको, टू बताया था, थ्री बताया था, सब बताया था आपको, आपको तो याद ही होगा। और कुछ केस लॉज भी बताया था क्रुएल्टी एंड डिजर्शन के ऊपर। तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा ऑल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीजिंग, ऑल्टरनेट वे क्या है डाइवोर्स करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इन एनी प्रोसीजिंग अंडर दिस एक्ट ऑन अ पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मतलब मैरिज का तोड़ना, डिसॉल्व कर देना, बाय अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स, डाइवोर्स का ऑर्डर से मैरिज को डिसॉल्व कर देना, एक्सेप्ट इन सो फार एज द पिटीशन इज फाउंडेड ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन क्लॉज 2, 4, 7 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13। सेक्शन 13 में 2, 4, 7 ये रहा, 2, 4 और 7, ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है इफ इट कंसिडर इट जस्ट टू डू सो हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस पास इंस्टेड अ डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। अब हम आते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वैसे ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। अगर आप समझ जाते हो तो आप खुद से लिख पाओगे। दैट इज डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, इसका मतलब आता है कि डाइवोर्स करेंगे दोनों पार्टी, मेल हस्बैंड वाइफ दोनों म्यूचुअली मतलब इंटेंशनली चाहते हैं कि दोनों अलग हो। इसका सबसेक्शन 1 हम लोग पढ़ेंगे अब। Subject to the provisions of this act, a petition for dissolution of marriage, a file case किया जाएगा marriage dissolve करने के लिए by a decree of divorce, divorce का order pass करते हुए, may be presented to the district court by both the parties to a marriage, दोनों party को mutually present करना होगा district court को, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पे पिटीशन करना होगा डाइवोर्स का, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का टू अ मैरिज टूगेदर, वेदर सच मैरिज वाज सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ, मतलब वो लोग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर मोर और मोर, मतलब कि शादी के बाद एक दो दिन बाद ही, एक साल से ज़्यादा वो दोनों पति पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तब ये ग्राउंड्स देखा जाएगा। अगर ये लोग एक साल से ज़्यादा अलग अलग रह रहे हैं तभी ये चीज़ माना जाएगा, डिग्री पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टूगेदर एंड दे हैव म्यूचुअली एग्रीड दैट द मैरिज शुड बी डिसॉल्व्ड, वो लोगों ने दोनों ने एक साथ एग्री किया कि मैरिज जो है डिसॉल्व हो जाना चाहिए। ये जो मैंने आपको बताया सबसेक्शन 1, इसमें से आपको बताया जा रहा है कि जो आप जो पिटीशन फाइल करोगे, इधर पार्टी पिटीशन फाइल करेगा, वो आपका जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपको फाइल करना है डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 2 में, सब सेक्शन 2 ये समझने वाला है। ऑन द मोशन ऑफ बोथ द पार्टीज मेड नॉट अर्लियर देन 6 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन रेफर टू इन सब सेक्शन 1 दैट इज दिस
and not later than 18 months after the said date. If the petition is not withdrawn in the meantime, the court shall, on being satisfied after hearing the parties and after making such inquiry as it thinks fit, that a marriage has been solemnized and that the averments का मतलब हो सकता है statements in the petition are true, pass a decree of divorce declaring the marriage to be dissolved with the effect from the date of decree. इसका मतलब ये आता है कि शादी के मतलब शादी हो गया, ठीक है, शादी के बाद एक साल पति पत्नी अगर अलग रह रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, दोनों म्यूचुअली एग्री करता है, अगर दोनों एक साल से ज़्यादा अलग रह रहे हैं, उसके बाद उन लोगों ने दोनों ने म्यूचुअली पिटीशन फाइल किया, ठीक है, म्यूचुअली पिटी एग्री किया और पिटीशन फाइल किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, जो मैंने बताया आपको इस पे सेक्शन सब सेक्शन 1 पे 13 बी में, ठीक है, तब पिटीशन फाइल करने के बाद एक साल के बाद पिटीशन फाइल करने के बाद जो कोर्ट जो डेट देगा वो होगा 6 महीने बाद का डेट दिया जाएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मेड नॉट अर्लियर देन 6 मंथ्स, ठीक है, 6 महीना इसलिए दिया जाएगा ताकि अगर कुछ सेटलमेंट्स उस दौरान हो जाए पति पत्नी के बीच में कि वापस डाइवोर्स नहीं लेना है, तो उस टाइम वो 6 महीने के अंदर वो लोग कोर्ट टाइम देता है, ठीक है, उसके बाद अगर तब भी अगर करना है डाइवोर्स लेना है उसके उसके बाद होगा आपको डाइवोर्स लेना है तब नॉट लेटर देन 18 मंथ्स, मतलब कि 18 मंथ्स के मतलब 6 महीना बाद डेट दिया जाएगा, कोर्ट डेट देगा आपको, ठीक है, उसके बाद आपको उस डेट पे आपको आना है, ठीक है, और आपको लेट नहीं करना, 18 महीना तक आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो 18 मंथ्स तक आप नहीं कर सकते, आप कर सकते वेट कोर्ट को, आपको 6 मंथ के बाद ही आप करा सकते हो, जो भी कोर्ट में केस फाइल होगा सब, जो भी कोर्ट में जो भी चीज़ होगा कोर्ट में सुनवाई जो भी होगी सब आपका 6 मंथ्स के बाद होगा, अगर तब तक में अगर जैसे कि यहाँ लिखा है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट लेज डाउन दैट अ पिटीशन फॉर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट मे बी प्रेजेंटेड जॉइंटली म्यूचुअली बाय बोथ दी स्पाउसेस विद द फॉलोइंग एवरमेंट्स, दैट पहला दैट दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जैसे मैंने आपको बताया एक साल दोनों को सेपरेट रहना होगा तभी होगा, सेकेंड है दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टूगेदर, मतलब वो लोग साथ में नहीं रह सकते ऐसा सिचुएशन है, एंड दे हैव म्यूचुअली एग्रीड टू लिव सेपरेटली, वो लोग खुद से अपना म्यूचुअली एग्री किया कि उन दोनों को सेपरेट रहना है, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट पार्टी शुड बी लिविंग अंडर सेपरेट रूफ्स, दे माइट बी लिविंग इन द सेम हाउस बट नॉट एज हस्बैंड एंड वाइफ, बट देखिए दे माइट बी लिविंग इन द सेम हाउस बट नॉट एज हस्बैंड एंड वाइफ, दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टूगेदर मीन्स दैट देयर इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, वो लोग साथ में नहीं रह सकते इसका ये मतलब आता है कि उसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मे ग्रांट अ डिक्री ऑफ म्यूचुअल डाइवोर्स, अगर जैसे कि यहाँ लिखा है अगर मीन टाइम ना 6 महीने के अंदर अगर विड्रॉ ये लोग नहीं करते हैं, हस्बैंड वाइफ विड्रॉ नहीं करते हैं, तब अगर जो ये लोग डाइवोर्स लेना चाहते हैं अगर इन लोग का स्टेटमेंट्स अगर ट्रू रहता है तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो डाइवोर्स का डिक्री जो है ऑर्डर जो है वो पास करा सकता है और मैरिज को डिसॉल्व कर देगा फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री, डिक्री जब पास कराएगा उसी दिन से आपका डाइवोर्स हो जाएगा,
द कोर्ट में बिफोर ग्रांटिंग डिक्री कैन हेयर द पार्टीज एन इंक्वायरी इन रेस्पेक्ट ऑफ करेक्टनेस ऑफ द पिटीशन मेड इन द पिटीशन डिक्लेयरिंग दैट मैरिज बी डिसॉल्व फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। ठीक है, अभी तक मैं आपको कोई भी अगर डाउट अगर आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है दिमाग में, आपको कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, इन दोनों सेक्शन का हो या फिर उससे पहले मैंने आपको जितना पढ़ाया उनमें से कोई भी चीज़ का डाउट है मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा अलग से। और ये अभी मैं वीडियो का एंड करता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नया नया वीडियोस मिले। और इसका आगे का जैसे मैं अब नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं पढ़ाऊंगा सेक्शन 14 और सेक्शन 15 में आपको पढ़ाऊंगा। तो ये दोनों सेक्शन अगर आपको पढ़ना है आपको देखना है आप आ जाइएगा। मैं आपको ये भी इसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। फिलहाल अभी अभी के लिए गुड बाय। अपना स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। गुड बाय।